टी20 वर्ल्ड कप 2024 इस साल एक टीम को लेकर काफी सुर्खियों में है, वो है साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका ने आज अफगानिस्तान के ऊपर धमाकेदार जीत करते हुए फाइनल में जगह बना ली। आइए जानते हैं इस टीम का क्रिकेट में सफरनामा, इतिहास और इनके साथ जुड़े हुए कुछ किस्से। जहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इस समय क्रिकप्लेक्स पर साउथ अफ्रीकन टीम की, जिन्होंने क्रिकेट की शुरुआत तो 1894 में कर दी थी और उस दौर में केवल इनके साथ दो और टीमें थी, यानी कि अगर मैं आपको बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। और इन देशों के साथ इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और काफी लोकप्रिय था साउथ अफ्रीका में ये खेल। लेकिन उसके बाद एक ऐसी घटना घटी 1928 में, एक टीम आई वेस्टइंडीज, और वेस्टइंडीज के आने के बाद यानी उनकी एंट्री हुई तो उन्हें अश्वेत माना जाने लगा, ब्लैक माना जाने लगा। और ऐसे में साउथ अफ्रीका को ये बड़ा ही बुरा लगा और उन्होंने खेलने से क्रिकेट मना कर दिया। क्योंकि दोस्तों आप जानते हो साउथ अफ्रीका में अश्वेत यानी ब्लैक को गुलाम समझा जाता था और उनको कोई गवर्नमेंट में जॉब नहीं थी और ना ही क्रिकेट में शामिल किया जाता था। इस तरीके से बहुत ही भेदभाव था उस समय। इसी को देखते हुए मुझे लगता है कि शायद ये उनका एक बुरा दौर शुरू हुआ। इस साल 1931 में न्यूजीलैंड की टीम का प्रत्यर्पण हुआ क्रिकेट में, उनको उन्होंने खुशी खुशी शामिल कर लिया और उनके साथ मैचेस खेलने लगे। और साथ ही साथ 1932 में भारत की टीम आई, लगभग वही बर्ताव रहा जैसा कि वेस्टइंडीज के साथ रहा भारत के। 1954 में पाकिस्तान की टीम की एंट्री हुई और वहां भी भेदभाव किया जाने लगा। लेकिन 1960 तक दोस्तों पांच देशों के सदस्यों ने मिलकर एक कमेटी बनाई जिसका नाम आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रखा गया। और उस काउंसिल ने जो नियम बनाए साउथ अफ्रीकन के बुरे बर्ताव को देखते हुए, उनके एटीट्यूड को देखते हुए क्रिकेट पर बैन लगा दिया और इस तरीके से साउथ अफ्रीका अब अन्य देशों के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकता। 1991 के दौर में साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने एक बदलाव किया अपने बोर्ड में, जो अश्वेत थे जो काले थे उनको भी शामिल करने का एक नियम बनाया। और इस तरीके से आईसीसी ने जब ये माना कि अब साउथ अफ्रीका ने अपने क्रिकेट खेल में बदलाव किए हैं तो आईसीसी ने उन्हें शामिल कर लिया और इस तरीके से दूसरा उदय हुआ क्रिकेट में साउथ अफ्रीका का। 1992 के वर्ल्ड कप का ये हिस्सा बनी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा उस दौर में बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला, लगभग हर मैच जीती जा रही टीम इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल का वो मैच जिसमें उनको लक्ष्य मिला था 253 का और ऐसा लग रहा था कि वो मैच जीत जाएंगे, लेकिन बारिश बाधा बनी, बारिश काल बनी और उस समय डीएलएस का मेथड आ गया था और उस मेथड के हिसाब से उनको जो रन मिले वो एक गेंद में 22 रन और इस तरीके से वो मैच हार गई और सेमीफाइनल से बाहर हो गई। ये दौर इनका बुरा दौर नहीं था, ये दौर अच्छा था, लेकिन वो मैच बुरा हो गया और इस तरीके से वो बाहर हो गए। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये टीम ने बहुत ही लोहा मनवाया, कई देशों के साथ एक दिवसीय मैचों की सीरीज और टेस्ट श्रृंखला जीती और आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी जीती और ये पहली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी थी और पहली के साथ आखिरी भी। लेकिन साल 1996 का वर्ल्ड कप जिसमें बहुत ही तेजी के साथ ये आगे बढ़ी टीम, बहुत अच्छे मैचेस खेल रहे थे लेकिन उनके रथ को रोका वेस्टइंडीज ने और एक नॉकआउट के मैच में उन्हें पूरी तरह हरा के बाहर कर दिया। ये भी एक दौर था जिसमें लगा कि शायद जो अच्छा खेलती हुई टीम आ रही थी साउथ अफ्रीका वो 1996 में अचानक फिर से गायब हो गई। 1999 का वर्ल्ड कप दोस्तों याद होगा ये सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका टीम को परेशानी में डाल दिया, क्योंकि ये बहुत अच्छा खेलकर सेमीफाइनल में पहुंचे थे और सेमीफाइनल के मैच में स्कोर भी बराबर कर लिया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन आखिरी की चार गेंदों से महज एक रन बनाना था और लास्ट लूजर उस समय बाएं हाथ के बल्लेबाज बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन एक रन लेने के एवज में नॉन स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज आउट हुए और ये मैच साउथ अफ्रीका हार गई। स्कोर दोनों टीमों का बराबर था लेकिन उस दौर के वर्ल्ड कप में जो नियम था वो लाभ मिल गया ऑस्ट्रेलिया की टीम। उसके बाद 2009 में टी20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर ये सेमीफाइनल में पहुंचे और अच्छा खेल रही टीम को उनके रथ को रोका पाकिस्तान की टीम ने और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल से उन्हें बाहर कर दिया। एक और उनके लिए ये घटना ऐसी थी शायद इससे उबर नहीं सके वो। फिर साल आया 2014 टी20 वर्ल्ड कप, उस समय महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में टीम भारत बहुत अच्छा कर रही थी और सामना भी हुआ भारत की टीम से सेमीफाइनल मुकाबला और उस सेमीफाइनल में भारत ने जीत दर्ज की और एक बार फिर साउथ अफ्रीका टूर्नामेंट से बाहर हो। मैं आपको बताना चाहूंगा 2015 का वर्ल्ड कप अगर आपको याद होगा, एक दिवसीय वर्ल्ड कप जिसे हम कहते हैं, वो एक बड़ा ही वर्ल्ड कप था। उस दौर में टीम के पास बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, बल्लेबाजी में हासिम अमला, एवी डिविलियर्स, मिलर के अलावा गेंदबाजी में इमरान ताहिर, स्टेन गन, मॉर्टल,
ये कुछ और नाम थे, हर्षल गिब्स जो टीम के एक धरोहर थे। सेमीफाइनल का वो दौर आपको याद होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसमें बारिश का साया आया, 293 का लक्ष्य मिला, जो 50 ओवर का मैच था वो 43 ओवर का हुआ और 293 का लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। लग रहा था इस बार तो साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन एक बार फिर निराशा हाथ लगी और न्यूजीलैंड ने मैच की आखिरी ओवर की पांचवी गेंद पे छक्का लगा के उनके बल्लेबाज ने यह मैच जिता दिया और ये बहुत ही बुरा दौर था। 2021 के T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई साउथ अफ्रीकन टीम, बुरे दौर के साथ गुजर रही थी। लेकिन आया साल 2024, जिस साल की हम बात कर रहे हैं, ये वर्ल्ड कप उनके लिए बहुत ही अच्छा जा रहा है और अब तक अपराजित रही ये टीम। कुछ मैच उनके बड़े क्लोज हुए हैं, कुछ मैच कांटे के हुए हैं, लेकिन एक भी मैच आज तक इस वर्ल्ड कप में हारी नहीं है। फाइनल में पहली बार पहुंची है साउथ अफ्रीका की टीम और देखना है क्या ये सपना उनका वर्ल्ड कप का खिताब जीतने का पूरा होता है कि नहीं, ये निर्भर करेगा जब दूसरी फाइनल की टीम तय होगी, यानी कि भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली मैच की विजेता। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।